आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तेरा पंथ का इतिहास खंड दो, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी, भाग 9 जीवन प्रसंग विविध रंग, रोगों के आघात, सांप की फुंकार। कालूगणी का शरीर साधारणतया निरोग था, फिर भी कभी कभी रोगों के आघात उन्हें सहने पड़े थे। घुटनों की पीड़ा उन्हें अनेक वर्षों तक लगातार परेशान करती रही, पर उसमें स्वल्पाधिकता होती रहती थी। यदा कदाचित उभर आने वाले अधिक पीड़ादायक रोगों के कई प्रसंग यहाँ उल्लेखित हैं। संवत 1974 की घटना है। आचार्यवर चातुर्मास करने के लिए सरदार शहर पधार रहे थे। एक मंजिल पहले उदासर गांव में रात्रि के समय एक तिरबारी में सोए। मुनि मगनलाल जी का बिछोना भी उनके पास ही था। रात्रि काल में एक काला सर्प वहां आया और दोनों के सिरहाने के पास कुंडली मारकर बैठ गया। उसकी फुंकार से मुनि मगनलाल जी की नींद खुल गई। सांप को बैठा देखा तो वे सहम गए। बड़ी सावधानी से उन्होंने कालूगणी को जगाया। दोनों सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए। इतने में ही सांप ने कुंडली खोली और सरसराता हुआ बाहर चला गया। मुनि मगनलाल जी ने काले सांप की उन फुंकारों को अशुभ सूचक बतलाया। चातुर्मास काल में उसका परिणाम भी सबके सामने आ गया। चातुर्मास प्रारंभ ही हुआ था कि श्रावण मास में मुनि मगनलाल जी अकस्मात अपेंडिक्स की पीड़ा से आक्रांत हो गए। अनेक उपचार के पश्चात वे स्वस्थ हुए तो भादव मास में कालूगणी वात प्रकोप से पीड़ित हो गए। शरीर एकदम सुस्त हो गया, एक दिन अचानक मूर्छित भी हो गए। वह स्थिति कुछ ही क्षण ठहरी, परंतु उससे सारा संघ अत्यंत चिंतित हो गया। काफी दिनों तक बंगाली डॉक्टर अश्विन कुमार का उपचार चला। धीरे धीरे शारीरिक निर्बलता दूर हुई और वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। कांप जाता हूं, कालूगणी को कई बार व्रण वेदना सहन करनी पड़ी। अंतिम वर्ष की व्रण वेदना के अतिरिक्त संवत 1975 के ग्रीष्म काल में उन्हें पैर में हुए व्रण से बड़ा परेशान रहना पड़ा। उस वर्ष उनका विचार बिदासर में चातुर्मास करने का था, परंतु वर्ण के कारण वह राजलदेसर में करना पड़ा। वर्ण का उपचार डॉक्टर अश्विनी कुमार की देखरेख में चला। उस वर्ण ने ठीक होने में काफी लंबा समय लिया। उसकी वेदना से प्रभावित कालूगणी का शरीर अश्विन तक भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सका। व्याख्यान भी वे अश्विन के पश्चात ही दे पाए। मुनि मगनलाल जी ने उसके चीरा दिया था और प्रतिदिन उसकी सफाई भी वे ही किया करते थे। मवाद निकालते समय कालूगणी को कितनी वेदना होती, उसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता था कि एक दिन स्वयं उन्होंने मुनि मगनलाल जी से कहा, जब आपको आते देखता हूँ तब कांप जाता हूँ। इतनी असह्य वेदना को भी उन्होंने अत्यंत शांत भाव से सहा। लू की परेशानी। संवत 1989 का चतुर्मास करने के लिए कालूगणी तारानगर से विहार करते हुए सरदार शहर पधार रहे थे। गर्मी की ऋतु थी, राजस्थान में प्राय गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। उसमें भी थली की रेतीली और टीलों वाली धरती पर उसका प्रकोप और भी भयंकर हो जाता है। एक प्रहर दिन चढ़ते चढ़ते तो गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि बाहर निकलना कठिन हो जाता है। लू के झोंके शरीर को झुलसा डालते हैं। अनेक व्यक्तियों को लू लगने की बीमारी भी हो जाती है। जिस व्यक्ति को लू लग जाती है उसे अन्न की अरुचि हो जाती है। धूप के सामने जाने मात्र से उसके शरीर में कांटे से चुभने लगते हैं। गर्म हवा तो असह्य पीड़ा बन जाती है। अशांति इतनी हो जाती है कि उसके लिए वे गर्मी के दिन एक प्रकार से मृत्यु दंड जैसे बन जाते हैं। वह अशांति तब तक कष्ट देती रहती है जब तक कि वर्षा ऋतु नहीं आ जाती और कम से कम एक तेज वर्षा नहीं हो जाती।
उस बीमारी से प्राय प्रतिवर्ष सैकड़ों व्यक्तियों का प्राणांत हो जाता है। कालूगणी जब छोटे छोटे ग्रामों की मंजिल तय करते हुए सरदार शहर की ओर बढ़ रहे थे, तब एक दिन मार्ग में उन्हें लू लग गई। उसके पश्चात वे चलकर ग्राम तक पहुंचे तो सही, पर उसमें शरीर के बल की अपेक्षा मन का बल ही अधिक सहयोगी हुआ। उस समय की उनकी अशांति का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि पधारते ही बिछोने की प्रतीक्षा किए बिना एक छोटे से कंबल पर ही लेट गए। उस ग्राम में आए हुए व्यक्तियों के पास जो कुछ औषध आदि प्राप्त हुआ, उसी के अनुसार तत्कालिक उपचार किया गया। व्यवस्थित उपचार तो सरदार शहर पहुंचने के पश्चात ही हो सकता था, पर वहां पहुंचने में कई मंजिलें बाकी थी। मनोबली आचार्य देव लू की उस बेचैनी को अपने में समेटे हुए उस तेज धूप और लू में प्रतिदिन विहार करते हुए सरदार शहर पहुंचे। वहां उस व्याधि का व्यवस्थित उपचार किया गया। काफी दिनों के निरंतर प्रयास से वह व्याधि कुछ तो शांत हुई, पर पूर्ण शांति तो वर्षा होने के पश्चात ही प्राप्त हुई। फिर भी प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में उसका प्रभाव शरीर पर प्राय अंत तक प्रकट होता रहा। औचित्य का सम्मान, टूटी पुलिया। कालूगणी मुनि मगनलाल जी को बहुमान दिया करते थे। वे बहुधा उनकी बात को टालते नहीं थे। वास्तविकता ये थी कि मुनिश्री प्राय ऐसी ही बात का निवेदन किया करते थे जिसका औचित्य असंदिग्ध होता। एक बार मेवाड़ के किसी गांव से विहार करते हुए आचार्य श्री आगे पधार रहे थे। मार्ग में एक नाला आ गया, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। नाले पर पुलिया बनी हुई थी, परंतु वह एक तरफ से आधी टूट चुकी थी। लोग प्राय पानी में होकर ही आते जाते थे। आचार्य श्री ने नाले में पानी देखा तो उससे बचने के लिए पुलिया से पार होने के लिए उधर बढ़े। मुनि मगनलाल जी भी साथ ही चल रहे थे। उन्होंने रोकते हुए कहा, पुलिया टूटी हुई है, अतः खतरे की है, आप इधर से ही पधारिए। कालूगणी ने फरमाया, धीरे से पार हो जाएंगे ताकि पानी में पैर न रखने पड़े। मुनि मगनलाल जी ने निवेदन किया, मार्ग में आए पानी में पैर रखने की तो भगवान ने आज्ञा दी है, परंतु गिरने का खतरा हो वैसे मार्ग पर जाने का निषेध किया है। आचार्य श्री तब पानी में होकर ही आगे बढ़े। बड़े दिन का धंधा। संवत 1991 में गुरुवर का चातुर्मास जोधपुर में था। संवत्सरी के दिन व्याख्यान समाप्ति के पश्चात उन्होंने हस्तलिखित ग्रंथों की पोथियां मंगवाई। वे निरीक्षण करना चाहते थे कि मुनिजन उनके अवेर में किसी प्रकार की असावधानी तो नहीं कर रहे हैं। संयोग ऐसा मिला कि पुस्तक प्रतिलेखन में अनेक खामियां मिली। किसी का पल्ला मलिन था तो किसी की डोरी शिथिल बंधी हुई थी, किसी के पन्ने ऊंचे नीचे थे तो किसी की पाटियां टेढ़ी मेढ़ी। गुरुवर ने पुस्तक प्रतिलेखन कर्ताओं को भूल की न्यूनाधिकता के अनुसार किसी को उपालम व किसी को परठने दिए। मुनि मगनलाल जी पास में ही बैठे थे। कुछ देर तो उन्होंने ये सब देखा, फिर निवेदन करने की अपनी पद्धति के अनुसार संक्षेप में कहा, गुरुदेव, आज संवत्सरी जैसे बड़े दिन में आपने ये क्या धंधा छेड़ा है? पुरस्कार देने योग्य दिन में परठने दे रहे हैं। कालूगणी मुस्कुराए। उचित समय पर कही गई बात के औचित्य पर ध्यान देकर उन्होंने सबके परठने माफ कर दिए। विस्मृति की स्मृति। संवत 1988 में आचार्यवर लाडनू से सुजानगढ़ पधारे। एक रात्रि का प्रवास करके ही वहां से मर्यादा महोत्सव के लिए छापर पधार जाना था। उस समय सुजानगढ़ में वयोवृद्ध मुनि कजोड़ी मल जी स्थिरवासी थे। वे दीक्षा प्राय में कालूगणी से बड़े थे, चलने फिरने में अक्षम थे, अतः वंदन तथा खमत कामना करने के लिए वहां पधारना आवश्यक था। कालूगणी के घुटनों की पीड़ा रहती थी। नगर में पधारे तब तक काफी क्लांत हो गए थे। वे सीधे ही प्रवचन स्थल पर पधार गए। मुनि कजोड़ी मल जी दूसरे मकान में थे, अतः आचार्य श्री ने शायद सोचा कि व्याख्यान के पश्चात वहां जाएंगे। समय पर ऐसी विस्मृति हुई कि वे वहां नहीं जा सके। दूसरे दिन प्रातः विहार हो गया। वे 5 किलोमीटर दूर गुलेरिया पधार गए।
वहां पहुंचने पर स्मरण हुआ कि मुनि कजोड़ी मल जी को न कल वंदन किया गया और न आज ही। उनका मन अनुताप से भर गया। उन्होंने तत्काल अपनी विस्मृति को सबके सम्मुख व्यक्त किया और एक मुनि को सुजानगढ़ भेजकर वंदना एवं खमत खामना कहलवाया। चादर का व्रत। एक बार कालूगणी छापर विराज रहे थे। वहां सरदार शहर निवासी बालचंद जी सेठिया सेवा में आए हुए थे। आचार्य श्री के पास सेठिया जी की कोई शिकायत आई हुई थी। एक दिन आचार्यवर ने उनको उस विषय पर काफी तेज उपालम दिया। सेठिया जी अत्यंत नम्रता पूर्वक सुनते रहे और तैत कहते रहे। आचार्यवर जब कह चुके तब उन्होंने सहज नम्रता के साथ कहा, गुरुदेव आज मेरे कारण आपको इतना परिश्रम करना पड़ा, आपको कष्ट न हो तो कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आचार्य श्री ने स्वीकृति दी। तब उन्होंने अपनी जेब से एक पत्र निकाला और उसे आचार्य श्री को देते हुए निवेदन किया कि आपके समक्ष तोड़ मरोड़ कर स्थिति रखी गई है, इस पत्र से उसकी वास्तविकता स्वतः आपके सम्मुख आ जाएगी। आचार्यवर ने उस पत्र को पढ़ा तो उनकी भावभंगिमा एक ही क्षण में बदल गई। आचार्यवर ने फरमाया, बालचंद जी तुम बड़े गंभीर श्रावक हो, मेरे इस अस्थानीय उपालम पर भी किसी प्रकार का प्रतिकार किए बिना चुपचाप सुनते रहे। बालचंद जी ने कहा, गुरुदेव मुझे शिक्षा के दो शब्द मिल रहे थे, बीच में बोलकर मैं अभिनय क्यों करता, गुरु का उपालम भी लाभदायी होता है। आचार्यवर एक क्षण के लिए कुछ सोचने लगे और फिर फरमाया, लाओ तुम्हारी चादर का व्रत निपजा दूं। बालचंद जी उस अयाचित कृपा के शब्द सुनकर निहाल हो गए। चादर का दान देकर उन्होंने असीम कृतज्ञता का अनुभव किया। उस संपत्ति का अर्थ, कालूगणी प्राचीन परंपराओं को अत्यंत महत्व देते थे, परंतु नवीनता से भी उन्हें कोई परहेज नहीं था। अपने जीवन काल में उन्होंने नवीनता की भूमि पर अनेक कदम बढ़ाए। कहा जा सकता है वे प्राचीनता और नवीनता के संधि स्थल पर खड़े होकर यथार्थता की गवेषणा करते थे। आचार्यवर संवत 1984 के ग्रीष्मकाल में बिदासर पधारे हुए थे। मुर्शिदाबाद के मानसिंह जी दर्शनार्थ आए। एक दिन वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने पूछा, आप बंगाल में साधु साध्वियों को क्यों नहीं भेजते, वहां हजारों जैन परिवार निवास करते हैं। आचार्यवर ने फरमाया, सिद्धांत में आर्य अनायर क्षेत्र की जो सीमा बतलाई है उसके अनुसार बंगाल आर्य क्षेत्र की सीमा में नहीं आता। मानसिंह जी ने कहा, बंगाल के लोग साधारणतया अनार्य जैसे नहीं लगते, वे बहुत विनम्र और धर्मानुरागी होते हैं। धर्म का सम्यक मार्ग प्राप्त होने पर वे सम्यक्ति एवं चारित्री भी बनने योग्य हैं। आप बंगाल को अनार्य क्षेत्र किस आधार पर फरमाते हैं, मैं उस आगम प्रमाण को देखना चाहता हूँ। आचार्यवर ने तब उन्हें व्रतकल्प का पाठ बतलाया। उसमें मुनियों के विहार की सीमा निर्दिष्ट है। वहां कहा गया है, साधु साध्वी पूर्व दिशा में अंग और मगध तक, दक्षिण में कोसाम्बी तक, पश्चिम में धुणा तक और उत्तर में कुणाला तक जा सकते हैं। यही आर्य क्षेत्र है, इससे आगे अनार्य क्षेत्र है। पाठ का अंतिम अंश है, तेण परम जत्थ नाण दंसन चरिताई उस संपत्ति। टब्बाकार ने इसका अर्थ किया, उक्त सीमा से आगे जाने पर ज्ञान दर्शन और चारित्र की हानि होती है। मानसिंह जी ने निवेदन किया, गुरुवर मैंने सुना है कि उस सीमा से आगे जहाँ ज्ञान दर्शन और चरित्र की वृद्धि हो वहाँ मुनि जा सकते हैं। गुरुवर ने जो अर्थ फरमाया था वह टब्बा में था। वहाँ उस संपत्ति शब्द का अर्थ हानि होता है किया था। गुरुवर ने जब उस पाठ के भाष्य और टीका का निरीक्षण किया तो वहाँ उसका अर्थ वृद्धि होती है पाया। आचार्यवर ने फरमाया, यही अर्थ उपयुक्त लगता है। उन्होंने टब्बा वाली प्रति में लिखा अर्थ कटवा कर वृद्धि होती है लिखवा दिया। लगभग घंटा भर बाद ही मुनि चौथमल जी को बुलाया और फरमाया, यद्यपि टब्बाकार द्वारा किया गया अर्थ अब हमें मान्य नहीं होगा, फिर भी हमें उसको बदलने का अधिकार नहीं है, इसलिए जो काटा है उसे पुनः यथावत लिख दो। उक्त निर्णय यद्यपि तेरा पंथ की प्राचीन परंपरा से भिन्न था, फिर भी उसे स्वीकार करने में गुरुवर को कोई कठिनाई नहीं हुई। उसके पश्चात
सुदूर क्षेत्रों में साधु साधुओं को भेजने का मार्ग खुल गया। हैदराबाद, पूना और मुंबई आदि क्षेत्रों में मुनियों का गमन प्रारंभ हो गया। टिकाओ के माध्यम से तेरापंथ को अपनी पूर्वज परंपरा से मुख्यतः टब्बा के माध्यम से आगम सूत्रों का अध्ययन करने की प्रवृत्ति मिली थी। जयाचार्य जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर अधिक रूप से उसी क्रम को अपनाया जाता रहा। कालूगणी ने संस्कृत टिकाओ के माध्यम से आगम अध्ययन को महत्व देना प्रारंभ किया। अपने इस नए कदम की ओर शिष्य वर्ग का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वे बहुधा फरमाया करते, आगम रहस्य को हृदयगम करने के लिए केवल शब्दार्थ समझ लेना बहुत अपर्याप्त है। तात्पर्य की गहराई तक पहुंचने के लिए संस्कृत टीकाओं का अध्ययन आवश्यक है। आचार्यवर की उक्त प्रेरणा से अनेक मुनियों को संस्कृत टीकाओं के माध्यम से आगमों के समुद्र मंथन में पारंगत होने का साहस प्रदान किया। भाष्य और चूर्णी आदि को भी उन्होंने अपने अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया। उन सब के माध्यम से भी उन्हें ज्ञानार्जन में अतिरिक्त सहयोग प्राप्त हुआ। संपादन और प्रकाशन। व्यवस्थित रूप से धार्मिक पुस्तकों के संपादन एवं प्रकाशन का क्रम कालूगणी के युग से ही प्रारंभ हुआ। उससे पूर्व भी प्रकाशन तो हुआ, पर वह बहुत ही अव्यवस्थित था। जयाचार्य द्वारा निर्मित ब्रह्म विध्वंसन एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें तेरापंथ के सैद्धांतिक पक्ष को बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रतिपादित किया गया है। कच्छ के श्रावक मूलचंद जी कोलंबी ने उस ग्रंथ को देखा तो उन्हें वह बहुत ही उपयोगी लगा। उन्होंने साधुओं के पुट्ठे से उस प्रति को निकाल लिया और लिथोलिपि से छपवा दिया। उसके प्रकाशन का समय 8 अक्टूबर 1867 है। उस प्रकाशन में इतनी अशुद्धियां रही कि एक प्रकार से वह ग्रंथ विरूप बन गया। संवत 1979 में कालूगणी का चतुर्मास बीकानेर में था। उस समय सैद्धांतिक चर्चाओं का दौर चला करता था। ब्रह्म विध्वंसन की बड़ी उपयोगिता थी। अनायासी तब उसको सुव्यवस्थित ढंग से संपादित कर प्रकाशित करने की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। पंडित रघुनंदन जी और मुनि चौथमल जी आदि कुछ संतों ने बैठकर उसका संपादन किया। वह एक श्रम साध्य कार्य था, उससे उसकी उपयोगिता बढ़ गई। ईसरचंद जी चोपड़ा ने उसे प्रकाशित करवाया। उसे उस युग की सुसंपादित पुस्तक कहा जा सकता है। ब्रह्म विध्वंसन से पूर्व जयपुर निवासी श्रावक गुलाबचंद जी लूनिया ने जयाचार्य रचित प्रश्नोत्तर तत्व बोध का संपादन किया था। उसका प्रकाशन गंगासर निवासी हीरालाल जी आंचलिया ने किया। जयाचार्य के उक्त दोनों ग्रंथ तेरापंथ की मान्यता पर आधारित हैं। धार्मिक चर्चाओं में दोनों का ही बहुत उपयोग होता रहा है। सभा का प्रारंभ। तेरापंथी सभा का प्रारंभ कालूगणी के युग का एक सर्वथा नवीन चरण न्यास कहा जा सकता है। उससे पूर्व श्रावक वर्ग में ऐसा कोई सुनियोजित संगठन नहीं था जो धर्म संघ का हित संरक्षण करने तथा पारस्परिक सहयोग के आधार पर धर्म चेतना को आगे बढ़ाने में कार्यशील हो सके। ऐसे सभी आवश्यक कार्य व्यक्तिक आधार पर ही संपन्न करने की परंपरा थी। एक घटना ने संस्था बनाकर कार्य करने की आवश्यकता अनुभूत करवाई। उस समय यूपी की काउंसिल में एक बिल प्रस्तुत हुआ। उसमें प्रस्ताव था कि अवैध साधुओं को न्यायालय में पंजीकरण कराना होगा। तेरापंथ श्रावकों ने उस बिल को रोकने की भावना बनाई। सर्वप्रथम उन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर विलियम साहब से इस विषय में परामर्श किया। उन्होंने बतलाया, सरकार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए एक संस्था के रूप में संगठित होने की आवश्यकता है। अन्यथा व्यक्तिगत रूप से कितना भी विरोध किया जाए, कितनी भी चिट्ठियां दी जाए, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देगी। आप एक संस्था स्थापित कीजिए, उसका पंजीकरण करवाइए, फिर उसी के माध्यम से सारी कार्रवाई कीजिए। उक्त परामर्श के अनुसार ही कार्य करने का निश्चय किया गया। कलकत्ता में तेरापंथियों की संख्या आज तो बहुत बड़ी है, उस समय भी अच्छी थी। कुछ मुख्य लोग मिले, परस्पर विचार विमर्श किया और फिर संवत 1970 कार्तिक कृष्णा 14 को जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा नाम से संस्था स्थापित की। शीघ्र ही सरकार में उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया। नवनिर्मित सभा के प्रथम अध्यक्ष
कालूराम जी धाड़ेवा, मंत्री केसरी चंद जी कोठारी तथा कोषाध्यक्ष श्री चंद जी गणेश दास जी गधैया नियुक्त हुए। सभा ने प्रथम कार्य के रूप में अपना 9 सदस्यों का शिष्टमंडल इलाहाबाद भेजा। उसने वहां गवर्नर को ज्ञापन दिया, काउंसिल के अनेक सदस्यों से मिला, बनारस जाकर बिल प्रस्तुत करने वाले लाला सुखवीर सिंह जी से भी मिला। सभी को तेरा पंथ की दीक्षा पद्धति से अवगत किया। उसके बाद भी सभा ने लंबे समय तक उद्देश्य प्राप्ति के लिए काफी दौड़ भाग की। दिल्ली, बड़ौदा आदि अन्य अनेक राज्यों में भी वैसे बिल प्रस्तुत हुए। सभा ने सभी स्थानों पर प्रयास किए। सौभाग्य से सर्वत्र उन्हें सफलता मिली। सभा केवल दीक्षा विरोधी बिलों के विरुद्ध ही नहीं, धर्म संघ पर आने वाली हर कठिनाई के विरुद्ध भी लड़ी है। अपना कर्तव्य निभाने में उसने कभी कोताही नहीं की, इसलिए उसे पूरे धर्म संघ का परिपूर्ण विश्वास प्राप्त हुआ। जब विभिन्न गांवों में स्थानीय तेरापंथी सभाएं स्थापित हो गई, तब संवत 2003 के चुरू मर्यादा महोत्सव पर उसका नाम अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा कर दिया गया। परिहास के क्षण। कमाऊ बेटा, कालूगणी गंभीर प्रकृति के आचार्य थे, परंतु यदा कदा परिहास की भाषा में भी अपनी बात अभिव्यक्त करते थे। उनके उस परिहास में भी एक गंभीर प्रेरणा तथा शिक्षा होती थी। सबकी मन प्रसुति का साधन तो वह बनता ही था। मुनि नथमल जी रिंचेड़ विनोदी प्रकृति के संत थे। एक बार कालूगणी आहार करने के पश्चात लाडनू के तिरबारे में टहल रहे थे। मुनि नथमल जी ने निवेदन किया, गुरुदेव आपके यहाँ यह कैसा न्याय है? अग्रणी मुनि व्याख्यान देता है, क्षेत्र के भाई बहनों को संभालता है, संतों को भी परोटता है, इतने पर भी आप उसी को कहते हैं कि 9000 गाथाओं का कर तुम्ही को चुकाना होगा। सारी मेहनत अग्रणी के जिम्मे और कर चुकाना भी उसी के जिम्मे। ऐसा अग्रणीत्व मुझे तो नहीं चाहिए, आप अपने साथ ही रखने की कृपा करें। कालूगणी उनकी बात पर मुस्कुराए और फरमाया, कमाऊ पूत को कोई घर पर रखता है क्या? यदि उसको घर पर रखा जाएगा तो घर का व्यय कैसे चलेगा? पास में खड़े सभी संत हंस पड़े। मुनि नथमल जी की वह प्रार्थना उस हंसी में ही विलीन होकर रह गई। छीछा बीछा पोटला। चंदन मुनि बाल्यावस्था में थे तब बहुत चंचल थे, दूसरों की कमियां बताने में सदा आगे रहते थे। मुनिजन जब अपने लिखे पत्र कालूगणी को दिखलाते तब बाल चप्पल्य के कारण चंदन मुनि उन पर टिप्पणी करते रहते। वे कहते, इनके अक्षर तो टेढ़े मेढ़े हैं, इनके सुंदर नहीं हैं, इन्होंने पहले की अपेक्षा अपने अक्षर बिगाड़ लिए हैं आदि। बहुधा तो गुरुदेव उनकी बात को केवल सुन ही लिया करते, कभी कभी मुस्कुरा कर उन्हें बैठने के लिए कहते। एक बार फरमाया, तू स्वयं लिखना शुरू करेगा तब पता चलेगा कि लिखना कैसे किया जाता है। कालांतर में जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तब एक दिन अपना पत्र लाकर गुरुवर को दिखलाया। गुरुवर मुस्कुराए और फरमाया, दूसरों की तो कमियां बतलाता रहता है, परंतु बाई जी के अक्षर तो अभी धूप में सूखने योग्य उपले जैसे ही हैं। एक बार फरमाया, यह क्या लिखा है तूने? यह तो छीछा बीछा पोटला है। पास में खड़े संत जन भी बाल साधु के प्रति किए गए उक्त परिहास का आनंद लेने में सम्मिलित हुए। जमकू जी की छाया में। कालूगणी के युग में आचार्यवर के साथ रहने वाली सतिया प्राय सायंकाल में विहार करती, आचार्यवर दूसरे दिन प्रातः विहार करते। वे गांव में पधारते तब तक सतिया स्थान बाजोट आदि की सारी व्यवस्था कर लेती। एक कठिनाई अवश्य थी, गर्मी के दिनों में वह विहार एक परीक्षा बन जाया करता था। इतने पर भी निरंतर के अभ्यासवश सतियों को वही समय रुचिकर लगता था। एक दिन दोपहर की धूप में विहार करते समय गुरुवर ने मुख्य साध्वी जमकू जी से कहा, नानकी को इतनी धूप में चलना क्या असुविधाजनक नहीं होता? वे कुछ उत्तर देती उससे पूर्व ही स्वयं आचार्यवर ने ही फरमाया, तुम लंबी हो, नानकी छोटी तो है ही, ठिगनी भी है, शायद यह तो तुम्हारी छाया छाया में ही चल लेती होगी। जमकू जी ने निवेदन किया, तैत गुरुदेव
यह प्राय मेरे साथ साथ ही चलती हैं, अतः छाया का कुछ लाभ तो लेती ही है। पास में खड़े सभी लोग हंस पड़े। ओम अरहम।